Hello, good morning class 8, how are you? As I think you all are happy and fine. Okay, let's start. We are starting question number, exercise 1.2, question number 2. Exercise 1.2, question number 2. Yes, question number 1 has been completed and I have told you about the number line. Represent the इंटीजर नंबर, रिप्रेजेंट द नंबर ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन के ऊपर जो है इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट करना, मैंने आपको बता दिया था कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन नंबर लाइन. ओके, ये क्वेश्चन है हमारा. नंबर लाइन के ऊपर पुट करना है. लेट्स स्टार्ट द नंबर लाइन. व्हाट इज नंबर लाइन? दिस इज द मिड पॉइंट. यस, मिड पॉइंट इज नोन एज जीरो. मिड पॉइंट इज नोन एज जीरो. ओके, यस, दिस इज जीरो. वी विल राइट जीरो अपॉन 11 बिकॉज डिनोमिनेटर इज 11. द नंबर इज गिवन as in the it is a form numerator upon denominator. We will write the integer number. We will write the integer number on the number line 0 upon denominator as the midpoint. Midpoint में 0 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 0 upon denominator. Denominator सब में equal है. Okay, तो 11 लिखेंगे. Okay, और 11 से हम जो भी साइड जाएंगे, राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर, लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव इंटीजर. यहाँ आएंगे नेगेटिव इंटीजर, यहाँ आएंगे पॉजिटिव इंटीजर. ओके, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर. लेट्स स्टार्ट. वी हैव टू राइट द नेगेटिव इंटीजर. वी विल गो लेफ्ट साइड. -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11 and -9/11. Okay, point. -2/11, -5/11, -9/11. We have represent on the number line. Question number 2 has been completed. This is the answer of our question. Okay. Numerator और denominator में जो fraction दी हुई होती है, जिसका denominator होता है number line में, वो 0/11 करके midpoint में हम करते हैं. Positive integer लिखेंगे तो 1/11, 2/11, 3/11. 4/11, ओके, ऐसे 11/11 आएगा, वेयर दैट विल बी वन नंबर, दैट विल बी वन नंबर. ओके, -11/11 आएगा, दैट विल बी -1 नंबर. यस, ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 2 हैज बीन कंप्लीटेड. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? लेट्स सी. फाइंड राइट 5 रेशनल नंबर व्हिच आर स्मॉलर देन 2. फाइव रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं. फाइंड आउट फाइव रेशनल नंबर स्मॉलर देन टू. वी विल राइट. This is our number line. This is the midpoint. 0/2. After this, 1/2. 2/2. That is 1. 3/2. 4/2. That is 2. 1, 2, 3, 4. These are 4 rational numbers smaller than 2. We will write 0/2. रेशनल नंबर इज
जीरो अपॉन टू, वन अपॉन टू, टू अपॉन टू, थ्री अपॉन टू. ओके, दिस इज द आंसर. यस, इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थ्री. थ्री कंप्लीट. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन. ऐसे ही लिखना है आपको, ये सर्कल नहीं लगाना है, बट नंबर लाइन के ऊपर लिखना है. ओके, नंबर लाइन से शो करना है. Let's start question number 4. Find 10 rational number between question number 4. 10 rational number between. Find 10 रेशनल नंबर बिटवीन माइनस टू अपॉन फाइव एंड वन अपॉन टू. फर्स्टली वी विल डिफरेंट रेशनल नंबर में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं. नंबर लाइन में शो करने के लिए नंबर को डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए. ओके, तो टू मेक इक्वल डिनोमिनेटर, इक्वल डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस टू अपॉन फाइव और हेयर इज वन अपॉन टू. वी विल मल्टीप्लाई बाय दिस फ्रैक्शन फाइव अपॉन फाइव एंड वी विल मल्टीप्लाई बाय दिस फ्रैक्शन टू अपॉन टू. ओके, व्हाई? बिकॉज फाइव को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन आएगा, और टू को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी टेन आएगा. टू और फाइव का क्या करेंगे, एलसीएम जो है वो उससे मल्टीप्लाई करते हैं, उतना लाना होता है. एलसीएम जितना आता है ना उतना लाना होता है. तो फाइव को क्या करेंगे, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा आपका टेन. जनरली क्या होता है, हमें ये इस फ्रैक्शन को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और इस फ्रैक्शन को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जनरली हमारा जो है इक्वल डिनोमिनेटर आ जाता है. और अगर सेम डिनोमिनेटर में मतलब मिड में हो तो फन, यहाँ पे फोर हो जैसे वन अपॉन फोर, हेयर इज वन अपॉन टू. तो टू की टेबल में फोर कितने टाइम आता है, टू टाइम, तो हम हेयर इज टू अपॉन टू, देन दिस विल बी वन अपॉन फोर. ओके, फर्स्टली वी विल मल्टीप्लाई माइनस टू अपॉन फाइव मल्टीप्लाई टू अपॉन टू इक्वल टू माइनस फोर अपॉन टेन एंड वन अपॉन टू मल्टीप्लाई फाइव अपॉन फाइव इक्वल टू फाइव अपॉन टेन इक्वल टू फाइव अपॉन टेन ऑन द नंबर लाइन. ऑल द क्वेश्चन वी विल सॉल्व बाय यूजिंग नंबर लाइन. ओके, दैट विल बी द इजी मेथड. यस, दिस इज द मिड पॉइंट जीरो अपॉन टेन, द डिनोमिनेटर इज इक्वल जीरो अपॉन टेन. हेयर कहां से कहां तक, माइनस फोर से फाइव अपॉन टेन तक, माइनस वन अपॉन टेन, माइनस टू अपॉन टेन, माइनस थ्री अपॉन टेन, माइनस फोर अपॉन टेन. हाउ मेनी डिनोमिनेटर, हाउ मेनी नंबर, टेन, टेन रेशनल नंबर. फाइंड द टेन रेशनल नंबर. ओके, तो वन अपॉन टेन, टू अपॉन टेन, थ्री अपॉन टेन, फोर अपॉन टेन एंड फाइव अपॉन टेन. काउंट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन ही हुआ है. बिटवीन, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टेन रेशनल नंबर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, टोटल एट हुआ है. हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और टू अपॉन टू से, इसको भी टू अपॉन टू से मल्टीप्लाई कर देंगे. टू अपॉन टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना ज्यादा डिनोमिनेटर जितना जितना ग्रेटर आएगा उसमें नंबर जो है उतने बिटवीन क्या क्या देंगे, ज्यादा आ जाएंगे. ओके, डिनोमिनेटर में भी ज्यादा आ जाएगा. टू अपॉन टू से एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एट अपॉन टेन, हेयर इज माइनस टेन अपॉन ट्वेंटी, सॉरी माइनस एट अपॉन ट्वेंटी, टेन अपॉन ट्वेंटी. ओके, दिस इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट इज जीरो अपॉन ट्वेंटी.
0.20 हो गया, 0.20 है, 1/20, 2/20, 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20, and that is 10/20. Okay, minus 1/20, minus 2/20, minus 3/20, minus 4/20, minus 5/20, minus 6/20, minus 7/20, and minus 8/20. Okay, count more than 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 आ गया टोटली, कोई भी ले सकते हैं आप. ओके, मतलब मेथड जो है इसका यही रहता है और आंसर कुछ भी आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आंसर इसमें अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन के डिफरेंट आंसर आ सकते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन के डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ सकते हैं, यू हैव नो प्रॉब्लम. ओके, तो आंसर इज वी विल राइट हियर, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस टू अपॉन, बोला ना माइनस टू अपॉन फाइव आएगा. देखो ये इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस टू अपॉन फाइव ही आता है, ये माइनस टू अपॉन फाइव है और ये आपका 1/2 है, ये यहाँ पे लिखेंगे 1/2. ओके, तो दीज रेशनल नंबर, दीज ऑल आर रेशनल नंबर बिटवीन दीज नंबर्स. देखो सॉल्व करते हैं इसको, फोर के टेबल से माइनस टू, टू से डिवाइड करेंगे तो कितना, फोर के टेबल से डिवाइड करेंगे माइनस टू और फोर के टेबल से डिवाइड करेंगे फाइव, फोर के टेबल से डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ पे जीरो से जीरो कट गया तो 1/2 रह गया. तो दीज ऑल आर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज एनी पेन लिखने हैं आपको तो 0/20, 1/20, 2/20, 3/20, 4/20, 5/20, -1/20, कितना हो गया 4/8 हो गया, -2/20, -3/20, कोई भी नंबर लिख सकते हैं आप, एनी नंबर्स यू कैन राइट दिस होल. ओके, नंबर लाइन के अंदर शो करना है, फर्स्टली नंबर लाइन के अंदर शो करके देखना है आपको, डिनोमिनेटर इक्वल रहना चाहिए, इक्वल डिनोमिनेटर के बाद में हम जो भी चाहे यहाँ पे डिनोमिनेटर को शो कर देंगे, नंबर को शो कर देंगे और बिटवीन जो भी नंबर आएंगे इज ऑल आर बिटवीन रेशनल नंबर, बिटवीन रेशनल नंबर. ओके, यस, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड. Okay, next question we will try in the next class. Yes, bye.